कमजोर वर्ग खासकर अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए नई उम्मीद की किरण बनी कांग्रेस, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, कांग्रेस उसका परिवार है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कमजोर वर्ग, अनाथ बच्चों और विधवाओं के जीवन में एक नई रोशनी लाने का फैसला किया है। अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा, सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि अब ये बच्चे भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्हें सरकारी सहायता और संरक्षण मिलेगा ताकि वे भी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। विधवाओं के बच्चों के एजुकेशन का खर्च, विधवाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। ये कदम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है और सरकार इस बात को समझती है। हॉस्टल खर्च के लिए अतिरिक्त सहायता, बच्चे के साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है कि बच्चों को हॉस्टल खर्च के लिए 3,000 प्रति महीने की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इससे बच्चों को पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो अपने सपनों को पंख दे सकेंगे। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का ये कदम सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि उन मासूमों के लिए एक उम्मीद है जो अब तक अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे थे। कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि जहां जरूरत है वहां मदद जरूर पहुंचेगी। कांग्रेस के वादे सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर पूरे होते हैं।